हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं मोशन क्लास 9 का। तो मोशन क्या होता है, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो यदि हम लोग रोड के किनारे खड़े हैं और देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी रेफरेंस पॉइंट ले ले और उस रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग मोशन में कह सकते हैं, ठीक है। तो है ना, लिखा हुआ है, इट इज इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम इज सेड टू बी एट मोशन, ठीक है। यदि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग रेस्ट में कहेंगे, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट The time is said to be at rest, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोशन को और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब मोशन रिलेटिव होता है, मोशन को हम लोग अकेले अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम मोशन कैन एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट मोशन, ठीक है, फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम दैट ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कि हम लोग के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेन यदि चल रही है तो कोई बाहर व्यक्ति खड़ा है स्टेशन पे, तो उसके लिए हम लोग मोशन में है, लेकिन एक दूसरे के लिए हम लोग रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के लिए हम लोग का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग रेस्ट में है। लेकिन वही यदि हम लोग कोई बाहर देख रहा है स्टेशन पे, खड़ा आदमी देख रहा है, तो उसके लिए हम लोग मोशन में है, ठीक है। मतलब ना, एक ही समय कोई ऑब्जेक्ट मोशन भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, इसलिए मोशन जो होता है रिलेटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस पे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मान लो कि तुम घर से स्कूल जाते हो, है ना, मान लो तुम्हारा घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। यदि तुम घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर आते हो तो टोटल कितना डिस्टेंस तुम कवर किए, तो 5 + 5 = 10 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ से तुम शुरू किया था, है ना, और जहाँ तुम्हारा अंतिम पोजीशन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि घर से स्कूल आया, स्कूल से घर आया, तो इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, ठीक है। उसी तरह से यदि हम लोग सर्कुलर पाथ पे चले और एक राउंड लगाएं, ठीक है, तो हम लोग का डिस्टेंस क्या होगा, 2πr, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में चलेंगे तो हम लोग का एक राउंड लगाने पे उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा हम लोग का डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, है ना, इस केस में, है ना। अब आते हैं तो देखें डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि हम लोग देखें किसी सर्कुलर पाथ पे है, है ना, पोजीशन ए से चलना शुरू किए और इसका डायमीटर मान लो कि 50 मीटर है, 50 मीटर है, और बी पे चले, है ना, तो ए से चल के बी पे आ गए तो हम लोग का डिस्टेंस कितना हो गया, तो ए हो गया, है ना। मान लो यहाँ पॉइंट एक सी ले लेते हैं, ए सी बी मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई आर, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी, है ना, क्योंकि ए और बी के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस ए बी है, है ना। तो इस तरह से हम लोग का डिस्प्लेसमेंट ए बी हो गया और डिस्टेंस ए सी भी हो गया, है ना। उस तरह से और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे चार मीटर गया, फिर ऊपर से 3 मीटर गया, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि भाई 4 और 3 = 7 मीटर इसका डिस्टेंस है, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, इससे इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, ए शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक समझते हैं हम लोग, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट भाग है एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, तो देखो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का कितना मैग्नीट्यूड है, कितना है वो, ठीक है, जैसे तुमने कितना काम किया, है ना, ठीक है, इस घर का लंबाई कितना है ना, तुम्हारा स्पीड क्या है, तो
तुम कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस समय सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, ठीक है, 10 किलोमीटर है ना, घर की लंबाई 8 मीटर है, वह 100 जूल काम किया, ठीक है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल उसका स्पीड, वर्क, डिस्टेंस, मास, ये सब है। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसी चीज है ना, ऐसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए दोनों चीज़ चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो फोर्स लगाना है, फोर्स लगाने के लिए किसी को बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ठीक है, किधर लगाना है ना, कितना लगाना है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आया, फोर्स आया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे एरो से दिखाते हैं, है ना, ए एरो में ए देख रहे हो, ए जो होता है एरो, ए उसके डायरेक्शन को दिखाता है और इसका लेंथ ऑफ स्टिक जो होता है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है। ये आगे की क्लासेस में पढ़ना है ना, अभी हम लोग को इतना समझना है, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना। और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक इंपॉर्टेंट बात है कि सपोज करो तुम किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया है ना, अपने मित्र बी के पास पहुंचा, ठीक है, मान लो कि 100 मीटर है, ठीक है। कुछ समय के बाद तुम सी पॉइंट सी पर आ गया है ना, 25 मीटर बैक, ठीक है, इधर आ गया है ना सी पे, पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे आ गया है ना। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 25 = 125 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ए सी हो गया, ठीक है, कितना 25 मीटर है ना, मतलब इसके बीच का दूरी कितना है 25, बैक चला तो 100 में से 25 बटा देंगे, है ना। यदि सपोज करो सी से उठ करके तुम डी पे चला गया, यहाँ पे, ठीक है, डी पे आ गया है ना, मान लो कि 50 मीटर पीछे आ गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, है ना। When your final position is to the left side of initial point, ठीक है, then your displacement will be negative, ठीक है, इस केस में displacement negative हो सकता है। तो इस तरह से है ना, हम लोग डिफरेंस और बता सकते हैं कि displacement negative हो सकता है लेकिन distance negative नहीं हो सकता है, ठीक है, ये important बात है। चलो आगे देखते हैं, velocity, velocity क्या होता है, velocity, ठीक है, what is velocity? सबसे पहले स्पीड देख लेते हैं, ठीक है, स्पीड है ना, स्पीड क्या होता है, तो एक यूनिट टाइम में जितना हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं वही हम लोग का स्पीड होता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। तो इस तरह से इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो स्पीड किसी हम लोग का पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होता है हम लोग का वेलोसिटी होता है, इसका भी यूनिट वही होता है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या यू कैन राइट मीटर अपॉन, ठीक है, पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड में, क्या कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है,
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है नहीं तो छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या छोटा होगा। उसी तरह से वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी जो है स्पीड से इक्वल हो सकता है या छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा, है ना। तो ये चीज है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं का, तो मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका 98 मीटर डायमीटर है, ठीक है। यदि ए से बी पे है ना, ए से चल करके ए पे आने पे, ठीक है, टाइम जो है वन राउंड लगाने में 10 सेकंड है, ठीक है। 10 सेकंड में हम लोग एक राउंड लगा लेते हैं तो हम लोग का स्पीड क्या होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/टाइम, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा 2πr, ठीक है, और टाइम है 10 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 2 है ना, पाई आर कितना हो गया, आर हो गया 98 का हाफ 49, तो 7 है ना, 7 × 14 = 14 28 और 28 × 30, ठीक है, बाय 10 है ना, मतलब 30.8 मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो सोचो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तुम्हारा, ए से चल करके ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, है ना। तो 0/10 = 0 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ध्यान देना है, मान लो ये कहे कि ए से बी पे आया, ए से बी पे आया तो तुम्हारा स्पीड कितना हो गया, स्पीड है ना, तो स्पीड के लिए हम लोग ये लेंगे क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी पाई आर, लेकिन टाइम तो ही रहेगा, ठीक है। मान लो 10 सेकंड में ही पहुंचे, सपोज करो टाइम 10 सेकंड लगा यहाँ से आने में, अरे या 5 सेकंड कर देते, ठीक है, चलो 10 सेकंड है तो यहाँ हाफ ले लेते हैं 5 सेकंड, ठीक है, है ना। तो पाई आर से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 98/5, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया, ओके। अब है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट है ना ट्रेवल्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, या वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या हो गया, पहले एवरेज स्पीड है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सपोज करो कि जैसे है ना, मान लो कि हम लोग स्टेशन पटना जंक्शन से घर आने में, ठीक है, एक ही स्पीड नहीं रहता है, स्पीड हम लोग का बदलते रहता है, लेकिन जब कोई कहता है तो हम लोग एक एवरेज बताते हैं, है ना। एवरेज निकालने के लिए क्या पता करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है कितना, टाइम लगा, और इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इसके लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ही निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करो कि तुम स्कूल से है ना, तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन योर होम, डिस्टेंस मान लो यू गो टू स्कूल एट 30 km/h एंड कम्स बैक एट 40 km/h, ठीक है। तो तुम्हारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ डिस्टेंस तो मालूम नहीं है कि कितना स्कूल और तुम्हारे घर के बीच का डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस भी x किलोमीटर, ठीक है,
तो T1 टाइम, T1 मतलब घर से स्कूल जाने में कितना हुआ, तो हम लोग जानते हैं टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना है डिस्टेंस तुम्हारा x, टाइम कितना हो गया, स्पीड कितना है 30, इतना आवर निकल गया, ठीक है। T2 सेकेंड टाइम मतलब घर से स्कूल से घर आपस आते हो, उसमें भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो वहाँ भी x पाई कितना हो गया 40 आवर, है ना। तो हम लोग फार्मूला है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x गए और x वापस आए, मतलब x प्लस x, और नीचे क्या हो गया टाइम तुम्हारा x बाई 30 और प्लस x बाई 40, है ना। तो ए टू एक्स हो गया और नीचे क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा 30 और 40 का 120, ठीक है, चार बार में कटेगा तो 4x और प्लस तीन बार में कटेगा तो 3x, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं 2x इंटू, देखो 120 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना हो गया 4 × 3 = 7x, ठीक है, तो 1x कट गया तो 240/7, ठीक है, मतलब 7 × 21 = 21, 3 × 28 2 किलोमीटर अप्रॉक्स है, है ना, आने जाने में तुम्हारा एवरेज स्पीड ए रहा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी में निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो तुम स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आ गए, ठीक है, है ना, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है।